नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जमोलिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की एक दिल दहलाने वाली खबर आपको बता दूं कि डोडा जिले में एक व्यक्ति जिसका नाम भैरव सिंह है, उसने फेसबुक पर लाइव आकर मर्डर किया है, हत्या की है अपने चाची के बाप की, जो उसके चाची का बाप वहां पर मौजूद था, उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की है और अपनी चाची को भी जख्मी किया है। तो मर्डर करने के बाद ये व्यक्ति भैरव सिंह जो है ये फिलहाल फरार है, पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि फेसबुक पर बाकायदा लाइव आकर इस व्यक्ति ने मर्डर किया, एक मर्डर हो चुका है, एक महिला जो उसकी चाची है रिश्ते में, जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है, वो जख्मी है और ये व्यक्ति जिसका नाम भैरव सिंह है ये फिलहाल फरार है। मैं आपको वीडियो इस व्यक्ति का दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वो व्यक्ति है, देखिए, इस व्यक्ति ने लाइव फेसबुक पर मर्डर किया और मर्डर करने के बाद भी ये लगातार लाइव आता रहा और जानकारी देता रहा कि इसने मर्डर किया है, क्यों किया है, आपसी कोई विवाद था इनका जमीन को लेकर, कुछ पत्थर जो थे वो लगाए गए थे और उन्हीं को लेकर, ये देखिए, इसने बहुत से लाइव किए हैं कि उसकी चाची से इसका विवाद हुआ और चाची के जो पिताजी थे वो वहीं पर मौजूद थे, जब उनसे कुछ कहा सुनी हुई तो इसने अपनी कुल्हाड़ी लेकर जो है वो उन पर हमला किया है। और ये देखिए, हमला करने के बाद वहां से फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस से मेरी बात हुई है और पुलिस, ये देखिए, इस व्यक्ति ने कितने बैक टू बैक फेसबुक लाइव किए हैं और इसने ये भी कहा है कि इसकी वीडियो को शेयर किया जाए। जरा सोचिए कि मानसिकता किस प्रकार की है कि एक व्यक्ति जो कि डोडा का रहने वाला है वो फेसबुक पर आकर लाइव मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद अपनी वीडियोस को पोस्ट करता है। पुलिस ने ये वीडियोस देखे हैं और फिलहाल पुलिस इसकी धरपकड़ में जुटी है। ये ऊपर पहाड़ों की तरफ फरार हो चुका है। ये देखिए, इस व्यक्ति ने पूरी जानकारी भी दी है कि इसने मर्डर किया, हालांकि जिस वीडियो में ये मर्डर इसने किया है वो वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बाकी के वीडियोस, ये देखिए, इसकी प्रोफाइल है भैरव सिंह की, इसने अपने चाची के जो बाप था, जो उसके पिताजी थे, उनकी हत्या की। हालांकि ये वीडियोस कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, जो नीचे के वीडियोस हैं, और चाची जो पुलिस ने जानकारी दी है कि वो अभी जख्मी है। तो ये व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर है और देखिए, बहुत से कॉमेंट्स और लोगों ने इसको लिखे हैं कि इसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। तो ये वो व्यक्ति है और बड़ी ही हैरान करने वाली ये बात है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने ही रिश्तेदारों की हत्या उसने की और हत्या करने के बाद फेसबुक पर लगातार ये लाइव आता रहा और सभी वीडियो जो है वो फिलहाल इसके फेसबुक अकाउंट पर मौजूद है। और इस व्यक्ति को कोई भी पछतावा नहीं है कि इसने अपने ही चाची के पिता की हत्या की है और हत्या करने के बाद भी ये व्यक्ति, देखिए, फेसबुक पर लाइव इसने बहुत सी वीडियोस डाली हैं। फिलहाल पुलिस इसे पकड़ने में जो है वो लगी हुई है कि इसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि जिस कुल्हाड़ी से इसने मर्डर किया, एक वीडियो में ये कुल्हाड़ी भी इसने दिखाई है और कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि दिल दहलाने वाली ये घटना है कि ये इस प्रकार के वीडियोस हम पहले बाहर सुनते थे कि बाहर के राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आज जम्मू जोन की बात करें तो वहां पर यह मामला सामने आया है, जब भैरव सिंह नाम की जो फेसबुक प्रोफाइल है इस पर इस व्यक्ति ने खुद आकर ये मर्डर किया है अपने चाची का, जो उसका बाप था, जो उससे कुछ कहासुनी हुई है, उसके बाद ये मर्डर हुआ है। और जो महिला है, खुद जो चाची इसकी बताई जा रही है, उसके बारे में पुलिस ने बताया कि वो भी जख्मी है। अब उसकी हालत कैसी है, यानी कि नाजुक हालत में है, क्योंकि उसे भी काफी घाव जो है वो जब इसने हमला किया तो उन्हें घाव लगे हैं। और शुरुआती दौर का जो एक वीडियो है, मैं आपको यहाँ पर जरूर ये वीडियो भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि जब इसकी कहासुनी होती है तो किस प्रकार से, ये देखिए, ये जो शुरुआती वीडियो है जिसमें इनकी बहस हुई है, ये आप देखिए, ये वो वीडियो है, ये देखिए, ये इसकी चाची है, ये इनके पिताजी मौजूद है और इन लोगों से इसकी बहस होती है, ये देखिए। और इस बहस के बाद ही आगे ये व्यक्ति इनका मर्डर कर देता है, यानी कि इसके जो पिताजी हैं इसकी चाची के, उसका मर्डर कर देता है बकायदा। ये पूरा लाइव चला हुआ है और लाइव के बाद जब ये व्यक्ति वहां से भागा है तो इसने भागते हुए भी कई बार लाइव किया है, नाम बताए हैं, ये बताया है कि इसने अपनी कुल्हाड़ी से जो है वो उन्हें मार डाला है। तो ये बहुत दिल दहलाने वाली ये घटना है, इस प्रकार से कि इंसानियत तार तार होती जा रही है। चंद
जमीन के लिए या कुछ प्रॉपर्टी के लिए या किसी पैसे के लिए रिश्ते इस प्रकार से एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, ये बहुत हैरानी वाली बात है। तो ये जो व्यक्ति है भैरव सिंह, ये फिलहाल फरार है, पुलिस इसकी तलाश में जुटी है और उम्मीद करेंगे कि इसे जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ऐसी सजा इसे दी जाए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने की सोचे भी ना, क्योंकि मानवता जो है वो तार तार हुई है। और फेसबुक पर बेशर्मी से आकर लाइव करना ये बताता है कि दिमाग के अंदर जो खुराफात है वो कितना ज्यादा हो चुका है आज व्यक्ति के, कि उसे अपने रिश्तेदार की हत्या भी करनी है और उसे फेसबुक पर लाइव भी करना है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, एक महिला घायल है और हत्यारा फिलहाल फरार है जिसकी तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। नमस्कार।